भाई आजकल गर्लफ्रेंड बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना बना के रखना मुश्किल काम है, क्योंकि मार्केट में जो डिमांड है ना वो बहुत ज़्यादा है और जो सप्लाई है वो तो तुम्हें पता ही है। तो भाई यहाँ पर बहुत मुश्किल काम हो जाता है गर्लफ्रेंड बनाकर उसको रखना, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए होते हैं तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। टेंशन मत लो, आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिसके बाद लड़की आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। बस चीज़ों को ध्यान से सुनना और जो मैं कह रहा हूँ उनको ढंग से अप्लाई करना। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है एक्साइटमेंट बना के रखो। अब यहाँ पर आप एक मूवी का एग्जांपल लो कि आप एक मूवी देख रहे हो जिसमें आप धीरे धीरे बोर हो रहे हो, तो आपका मन क्या करेगा, मूवी छोड़ने का मन करेगा। अब यहाँ पर अगर आप हॉल में होगे तो पैसा वसूल करने के लिए बेशक पूरी मूवी देख लो, लेकिन अगर आप फोन में देख रहे होगे ना तो आपका मन करेगा पॉज करो भाई, अब इसको कल परसों देखेंगे, अभी मन नहीं कर रहा। तो यहाँ पर जब मन नहीं करता, हम बोर हो जाते हैं, तभी दिक्कत आती है। तो लड़की के मन में एक्साइटमेंट बना के रखो, लड़की को कभी भी बोर मत करो। अब आप यहाँ चाहो तो उसको किसी ऐसी जगह घुमाने ले जाओ जहाँ पर वो घूमना चाहती हो, कोई भी अच्छी जगह घुमाने ले जाओ। अगर वो नहीं भी चाहती तो अपने मन से ही कहीं ले जाओ जहाँ पर एक्साइटमेंट आए, थोड़ा एडवेंचर आए। तो लड़की को घुमाने ले जाओ, शॉपिंग कराओ, मार्केटिंग कराओ। यहाँ पर आप चाहो तो उसको अपनी कहानियां भी सुना सकते हो कि पता है जब मैं 8th class में था ना तो एक दिन मैंने ये कर दिया था, फिर वो कर दिया था। कहानियां जो भी छोटी मोटी आपने बचपन की हरकतें की हो जिससे आपको डांट पड़ी हो या मस्ती आई हो, कुछ भी, लड़की को आपको बोर नहीं करना है, एक्साइटमेंट पैदा करनी है। आप लड़की को छोटे छोटे जोक्स भी सुना सकते हो, सिली सिली जोक्स, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल हद ही कर देना बिल्कुल पागलपंती की, वो करो। बस लड़की को हंसी आनी चाहिए, लड़के को मजा आना चाहिए। और उसको आप चाहो तो गिफ्ट्स दे सकते हो। आपको पता है कि लड़कियों को गिफ्ट्स ना बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, तो लड़की को गिफ्ट दो, उससे उसको एक एक्साइटमेंट रहेगी कि आज वो क्या गिफ्ट देगा, परसों क्या गिफ्ट देगा। भाई देखो कुल मिलाकर यहां पर ना उसको आपकी लाइफ से मतलब होना चाहिए, उसको आपसे और आपकी लाइफ से जब तक मतलब रहेगा तब तक वो आपको छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे उसको कोई मतलब नहीं होगा, उस दिन वो आपको छोड़कर चली जाएगी। तो भाई बिल्कुल भाई उसको स्पेशल फील करवाना, उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब इसके लिए आप चाहो तो प्यारी प्यारी रोमांटिक लाइंस भी सुना सकते हो, शायरी सुना सकते हो, प्यारी प्यारी बातें कर सकते हो। अगर आपको वो सब जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वो हमारा एक नया चैनल है अल्फाज ए शायरी, उसमें बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कही गई हैं, उनको जाकर देखो सीखो और लड़की को दो, भाई लड़की कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट के बारे में जो कि है टाइम दो। भाई ज़्यादातर पता है क्या होता है, जब भी ब्रेकअप होता है तो क्या रीज़न होता है, यही कि यार वो ना उसके पास तो मेरे पास टाइम ही नहीं था, वो तो कहीं और ही बिजी रहता था, उसके पास तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, उसको तो मेरी फिक्र ही नहीं है। तो यहाँ पर भाई आपको टाइम देना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम ना देने से पता है क्या होता है कि वो ना तीसरे बंदे से बात करेगी, तीसरे बंदे से बात करेगी तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा घुलेगी, मिलेगी आपको, धीरे धीरे छोड़ती चली जाएगी, उसके पास धीरे धीरे जाती चली जाएगी और एक दिन कहेगी यार तुम ना वैसे नहीं रहे जैसा मैं चाहती थी, आई कांट टेक दिस एनीमोर। बस भाई काम वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई कोशिश करो कि आप उसको टाइम देते रहो। यहाँ पर आपको सिर्फ टाइम नहीं देना बल्कि बातें भी करनी है, उससे बातें करो, उसकी कहानियाँ सुनो, उसकी बातें सुनो, अपनी बातें सुनाओ, उसकी बातें सुनो, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसका दिन कैसा जा रहा है या उसका दिन कैसा गया, उसकी फ्रेंड का आप किसके साथ चल रहा है, उसके घर में कौन कौन है, क्या करता है क्या नहीं करता, अगले महीने किसकी शादी है, उसकी चुगली वगैरह सब कुछ सुनो, उसके कज़न ने क्या किया क्या नहीं किया। बस भाई यही चीज़ें लड़कियों की सुननी होती है। तो जब तक आप लड़कियों की बातें सुनोगे, पागलपंती वाली बातें सुनो, अपनी पागलपंती वाली बातें सुनाओ, बस भाई ऐसे ही रिलेशनशिप्स चलती हैं। ज़्यादा सीरियस लोगे तो काम खराब हो जाएगा। अगली चीज़ है कि ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मत करो। भाई लड़ाई झगड़ा फाइटिंग वाइटिंग सब में होती है, लेकिन कोशिश करो कि आपस में ही सुलटा लो, आपकी बातें किसी तीसरे बंदे या बंदी तक ना जाए। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि मान लो आप दोनों एक दूसरे से रूठ गए और यहाँ पर आप व्हाट्सएप स्टेटस डाले जा रहे हो ऐसे बेवफाई के कि तूने मेरे को छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ट्रस्ट मत करो, ये मत करो, वो मत करो। अब कोई तीसरा बंदा उसको देखेगा और समझ जाएगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो मतलब गर्म हुआ है, हथौड़ा तो मारना पड़ेगा। तो उससे पूछेगा कि क्या हुआ, तो बोलेगी कि यार मेरे बॉयफ्रेंड के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, वो ये करता है वो करता है, उसने लड़ाई कर ली, फिर लड़ाई कर लिया। तो बोलेगा अरे यार ये तो बहुत गलत बात है, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कभी भी नहीं करूंगा यार, वो तो बहुत गंदा लड़का है यार, उसको तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लड़की बोलेगी कि हाँ यार वो ऐसा ही है यार, अब मैं क्या करूं। बस भाई ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपस में उनकी पटती चली जाएगी और एक दिन वो बंदा उस लड़की को ले जाएगा और आप बस बिल्कुल कुत्तों की तरह मुंह ताकते रह जाओगे और पूंछ हिलाओगे वो अलग। तो भाई यहां पर आपको तीसरे बंदे तक बात नहीं पहुंचने देनी है। कोशिश करो कि व्हाट्सएप पे स्टेटस डालना, लोगों को अपनी कहानियां बताना कि हमने लड़ाई कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, भीड़ भड़ाके में या फिर अपने दोस्तों के सामने लड़ना झगड़ना, ये सब छोड़ दो। भाई वहां तो आपको ये दिखाना चाहिए कि आप लड़की से डरते हो, वो सब कुछ बोले ना तो बोलो अरे भाई मैं तो इससे बहुत डरता हूं। यहां वो यार लड़की को थोड़ा ऊंचा दिखाओ, थोड़ा झुक जाया करो। ये जब लड़ाई झगड़ा होना तो एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो कि हर बार झुक जाए, हर बार नहीं मतलब ज्यादातर तो वो झुक ही जाए। अगर दोनों लोग ही बढ़ते
चले जाएंगे, अपने आप को सहनशाह समझेंगे, तो भाई बजनी तो है ही। तो जब लगे कि आपको लड़की नहीं झुक रही तो आप ही झुक जाओ भाई, झुकना कभी कभी सही होता है, वरना तो आपको पता ही है कि बहुत से इंतजार में बैठे हैं, कब आप लड़ाई कर लो, कब वो आपको लेकर चले जाएं, कंधे देने वाले बहुत बैठे हैं भैया, ध्यान से काम करना। और भाई जो मैंने चैनल बताया है अल्फाज शायरी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज भाई वहां पर जाओ उसको देखो, अगर आपको वहां पर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, अपना ही चैनल है भाई, बस भाई के लिए इतना सा कर दो और कुछ नहीं चाहिए। तो भाई जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उनको ध्यान से अपनाना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ये भी एक पार्ट होता है लाइफ का, मुझे भी अच्छा लगता है यार, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, प्लस उसके बगल में घंटी आएगी उसको टन से दबाना बिल्कुल मत भूलना। बस भाई आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद, अब हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।